और दीकर तमाम एहलियान मर्दवाल व एहलियान वादी सूस केसर अस्सलामु अलैकुम। आज हम सारे यहाँ पर अपने जद्द अमजद मौला गाजी अब्बास अलमबरदार की पैदाइश की खुशी में इस जश्न में इकट्ठे हैं। सबसे पहले तो हर मुसलमान के लिए ये खुशबख्ती है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। और फिर मैं आप तमाम अवान बिरादरी को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप मौला अली की औलाद से हैं और मौला अली की औलाद में से भी उनके उस बेटे की औलाद से हैं जिसके बारे में इलामा इकबाल ने फरमाया था कि मैंने सोचा कि उन्होंने वफा पर भी जरा गौर करूं, लफ्ज अब्बास लिखा और कलम तोड़ दिया। वक्त की बड़ी किल्लत है, बड़े साहब इलम लोग बैठे हैं, इस मौजू पे घंटों नहीं दिनों बोला जा सकता है। एक एक बात जो मौला गाजी अब्बास से मंसूब है और जो उनके शुजात और वफा के तज़किरे हैं वो घंटों के नहीं वो दिनों में भी नहीं ख़त्म होते। मैं सिर्फ वो एक बात करूं कि जब 10 मुहर्रम की दोपहर को तीसरा दिन था, पानी बंद था, बच्चे प्यास से बहुत निढाल थे, तो बच्चों के इसरार पर उनकी खुशी के लिए मौला पाक पानी लेने के लिए तशरीफ ले गए। और जब दरिया पर पहुंचे तो एक लम्हा ख्याल आया कि मैं भी प्यासा हूं, पानी पी लूं। पानी को अपने लबों तक लाकर और फिर वापस दरिया में फेंक दिया कि नहीं, ये वफा नहीं है कि वहाँ पर बच्चे प्यासे हों और मैं पानी पी लूं। खुद प्यासा होते हुए वो मशक पानी की भरी वापस आए, एक बाजू कट गया, दूसरे बाजू से मशक को संभाला, फिर दूसरा बाजू कट गया तो अपने दंदान मुबारक में पानी की मशक को संभाला और फिर शहीद कर दिए गए। तो उनकी आखिरी शहादत से पहले भी इसी बात पे परेशान थे कि मैं पानी ना पहुंचा सका। और आखिरी बात कि जब मदीना पाक में शहीदों की शहादत का इलम हुआ, बशीर नामी एक शख्स था जिसने मनादी की कि नबी के औलाद को कत्ल कर दिया गया, तो आपकी वालदा माईदा मदीने की गलियों में दौड़ी और जाके कहा बशीर नामी शख्स को कि ये कैसे हो सकता है कि अब्बास जिंदा हो और हुसैन कत्ल कर दिए जाए। तो उन्हें बताया गया कि नहीं, पहले अब्बास शहीद हुए और फिर आपके बाकी 5 बेटे शहीद हुए। हजरत अब्बास के 6 भाई इस जंग में शहीद हुए थे, आपके सारे बेटे शहीद हो गए। तो उसके बाद इमाम पाक को शहीद किया गया, आप वहां से दौड़ी और जन्नतुल बकी में फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दरबार पर पहुंची और वो वहाँ पर रो के ये कहा कि मेरे बच्चों ने वफा कर दी है। मैं तो ये परेशान थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हुसैन शहीद कर दिए गए और अब्बास जिंदा है। अल्लाह ताला आपका यहाँ पर आना, यहाँ पर बैठना और उनका तज़किरा करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप तमाम को एक दफा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप किस लड़ी से हैं और इसमें कोई शक ना कभी किया करे, कोई कुछ कहता रहे, बेशक जितनी भी अवान है वो अब्बास की औलाद है और अली की औलाद है। वामा अलैना इल्लल्लाह।